नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बिजावर के अंतर्गत आने वाले ग्राम रजपुरा में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में सरपंच और सचिव द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत थी कि ऐसे लोगों को आवास योजना का लाभ दिया है जिनके पास या तो पहले से मकान है या फिर एक ही परिवार के 2-3 सदस्यों को उसका लाभ दिया गया है। इस मामले में एसडीएम डीपी द्विवेदी का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम आते साहब के जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में आते कि मतलब जिसके नाम है, किसी के वापसी कर रहे, किसी से पैसा ले रहे, जो पैसा दे रहा है उसको दे रहे, जो पैसा नहीं देता उसको बोलते तुम्हारा नाम नहीं, किसी का जमीन है तुम्हारे पास, गाड़ी है, ऐसे कह क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब के वहाँ देख लिया जाए कि जिसका बनने के लायक हो उसको बनाए, और जो पैसे मांगते हैं तो ये भी पता चल जाएगा वहाँ के पैसे की वजह से वो क्या जाँच करी जाए। सरपंच और सचिव के विरुद्ध इनके द्वारा आरोप लगाए गए, उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पात्र लोग हैं उनको फायदा नहीं दिया गया है और अपात्रों को एक ही परिवार में 2-3 लोगों के लिए फायदा नहीं दिया गया है। इस बिंदु पर ज्ञापन प्रस्तुत किया है, इसकी हम जांच करवाते हैं और यदि सरपंच और सचिव दोषी हैं तो नियमानुसार इनके विरुद्ध कार्रवाई। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।